नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं दीपाली सिंह, खबर गुरदासपुर से। बरियार बाईपास पर एक सड़क हादसे में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी अनुसार प्रेमचंद निवासी गांव बब्बेहाली अपनी पत्नी परमजीत कौर के साथ स्कूटर पर अपने गाँव बब्बेहाली जा रहा था। जब वे बरियार के पास बाईपास पर चढ़े तो पीछे से आ रहे टेम्पो ट्रैवल ने उनको टक्कर मार दी, जिसके कारण दंपति सड़क पर गिर गया। जैसे ही ये सड़क पर गिरे तो एक अन्य कार उनसे टकरा गई। दोनों वाहन चालकों ने पति पत्नी को सड़क किनारे किया, परंतु महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति प्रेमचंद को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया। बरियार पुलिस ने वाहनों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं गांव वालों ने धरना लगाकर पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे बंद कर दिया है और मांग की है इस चौक में पुल बनाया जाए, क्योंकि यहां आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और कई लोग मारे जा चुके हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों को भरोसा दिया इस बारे में डिप्टी कमिश्नर से बात कर जल्द रास्ता निकालेंगे। तब तक पुलिस अपनी तरफ से यहां एक पुलिस मुलाजिम की ड्यूटी परमानेंट लगा देगी, जिससे आज के बाद कोई ऐसी घटना ना हो। आइए सुनते हैं गांव के सरपंच और एएसपी वरुण शर्मा को। तुसीं देखे इत्थे हुणे कोई करीब एक घंटा पहला एक लेडीज ते आदमी हुणे अपनी एक्टिवा दे उत्ते जा रहे सीगे, चौंक क्रॉस करन लग गया। पिछों तो एक टैंपो ट्रैवलर और उहदे पिछे नाल ही एक छोटी कार आई है i20 और दोनों का ही विचों लेडीज और बंदा दोने पहला बलैर और गड्डी ना बजे ने कार गड्डी ना बजने तो बाद फिर कार ना बजे ने लेडीज की मौके से डैथ हो गई है और उस तो बाद बंदे ने हॉस्पिटल लैके गए हैं, वो भी इस टाइम सीरियस हैगा। अज धरना इस करके लाया, इहनू सानू तकरीब 4-5 साल हो गए ने इस चौंक वास्ते साढ़े इत्थे जां फ्लाईओवर बनाया जाए जां इहनू चौंक बना के ठीक तरीके नाल चौंक बनाया जाए। ये लेकिन साढ़े प्रशासन ने अज तक साड़ी कोई मंग नहीं पूरी की। असी मंग करने इत्थे चौंक बनाया जाए जां गोल चौंक बनाया जाए जां फ्लाईओवर बनाया जाए। इत्थे जी कोई एक्सीडेंट होया सी, एक कोई गड्डी उत्थों रोंग साइड तो आ रही सी ते उहने किसे स्कूटी नूं टक्कर मारी है ते सम परसन हैव डाइड। जिहड़ा वो गड्डी चला रहा सी उहदा मुलाजम, उहदा जिहड़ा ड्राइवर सी उह वी आपां मौके ते काबू कर लिया वा। इत्थे बेसिकली भीड़ इस करके इकट्ठी होई सी कि इत्थे फ्लाईओवर बनाया जाए ते फ्लाईओवर दी डिमांड तां डीसी साहब मानजोग डीसी साहब नूं अग्गे आपां आर्टिकुलेशन करता वा ते आपां इहनां नूं प्रोमिस कीता कि इक अद्धे दिन दे विचकार इत्थे बैरीकेडिंग ते 2-4 पुलिस ते ट्रैफिक के मुलाजम जिहड़े पक्के होणगे जिहड़े इह चीज़ इंश्योर करनगे कि बहुत रैकलैस या रफ स्पीड ते गड्डियां इत्थों क्रॉस ना करन ते रोंग साइड की ओवरटेकिंग वगैरह ना होवे। वो दैट इज़ माई ड्यूटी टू इंश्योर ते मैं वो इंश्योर करा कि एक अद्धे दिन च वो पॉलिसी लागू हो जाए। उन्होंने तो जिहड़ा भी बनता कानूनी कार्रवाई हैगी है जी, 279-304A का परचा उन्होंने दवा जाऊँगा। पुलिस अब जो कार्रवाई करेगी वो ठीक है, मगर इस तरह से कितने घर तबाह हो चुके हैं उनका क्या होगा? पंजाब सरकार को इस बारे में सोचना होगा। न्यूज डेस्क से साक्षी जोशी के साथ अवतार सिंह की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।